श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 17 अप्रैल सोमवार को प्रदोष पड़ रहा है और वैशाख मास वैसे भी बहुत पवित्र मास होता है। इसमें बहुत पवित्र दिन होते हैं जो स्नान जप दान आदि इत्यादि के लिए बहुत खास माने जाते हैं। इन दिनों में हम भगवान शिव और विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं तो हमें बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो सोमवार प्रदोष के दिन आपको कुछ विशेष उपाय कर लेने हैं। तो इसके लिए आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, वो एक हाथ मुट्ठी बराबर होना चाहिए, एक हाथ के बराबर। और उस आपको 108 चावल के दाने लेने हैं और ये चावल के दाने उसमें आप डाल लीजिए और उसके एक पोटली बना लीजिए और एक कटोरी में ये रख दीजिए। कटोरी में रखने के बाद आप इसे अपने घर का मटका जहाँ आप रखते हैं पानी का जल का मटका, वहाँ पे आप इसे 3 रात तक आपको इसे रखना है। यानी आज शाम के समय आप इसे रखते हैं तो आपको कल परसों और आज की रात, कल की रात और परसों की रात को इसे रखना है। और उसके अगले दिन आपको इसे सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर इसे आपको पोटली को शिव मंदिर लेके जाइए और साथ में एक लोटा जल भी आप वहाँ लेके जाइए और साथ में 11 या अपने सामर्थ्य अनुसार आप जो दे सकते हैं केस या जितने रुपये दे सकते हैं लेके जाएं। और ये चावल की पोटली है, आप शिवलिंग पे अर्पित करें और अपनी मनोकामना बोलें और इसके बाद ये चावल और जो रुपये आपने लिए हैं वो मंदिर के पुजारी को दे। अगर वो भी इसे ना ले तो किसी सुहागिन स्त्री को दे और वो भी इसे स्वीकार न करे तो आप उसे मंदिर के बाहर किसी पेड़ की जड़ में आप इसे डाल दें। तो इससे आपके जो चावल का उपाय है वो धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। इससे आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा और आपके जो पितृ दोष है वो भी समाप्त हो जाएंगे। और दूसरा उपाय है, आपको थोड़े काले तिल लेने हैं और एक शमी पत्र और एक बेलपत्र लेना है और एक लोटा जल घर से लेके जाएं आप। और इसे लेके आप शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पे काले तिल अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना बोले और हाथकेश्वर महादेव का स्मरण करें और अपनी मनोकामना बोले। और फिर आप ये शमी पत्र है आप शिवलिंग पे अर्पित करें और उसके बाद ये एक बेलपत्र है वो उसी के ऊपर अर्पित करें और जल अर्पित करें। और इसके पश्चात आपको ये बेलपत्र और शमी पत्र उठा के अशोक सुंदरी की जगह पे रख देना है। और शिवलिंग पे अर्पित करते समय ध्यान रखना है कि इसकी जो शमी पत्र और बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। शमी पत्र और बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पे अर्पित करने के पश्चात दो शिवलिंग पे आपने तिल चढ़ाए हैं उन्हें आप अपने हाथ में बाएं हाथ में ले लीजिए। जितने भी आए आप अपनी हथेली में लेके वो आप अपने घर लेके आ जाइए और आप उसे दवाई मान के औषधि स्वरूप आप उसे अपने हथेली में ले और हाथकेश्वर और कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपके मन में जो बेचैनी है, आपके घर में कोई बीमार है, हार्ट की परेशानी है, किडनी लीवर की परेशानी है तो इसके लिए आप इसे घर ले आइए। और रोज़ सुबह पानी पीते समय इसे आप ग्रहण कीजिए। आप इसे 5-6 दिन भी ले सकते हैं और ज़्यादा समय भी इसे ले सकते, इससे जो बीमारी है वो स्वयं ही ठीक हो जाएगी। और तीसरा उपाय है कि आपको एक लोटा जल अपने घर के मटके से लेके शिव मंदिर जाना है और शिवलिंग पे इसे बारीक धार करके इसे अर्पित करते हुए कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उसे अर्पित करिए। इससे आपके घर में जो सुख समृद्धि आएगी और आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। तो वैशाख मास में ये उपाय आप अवश्य करिए। प्रदीप जी गुरु जी द्वारा सुनकर ये उपाय मैंने अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।